ये पूरी पूरी देव सभा, ये तीनों लोग, ये नर नारी, ये पशु पक्षी जीव मात्र जो इन दैत्य राक्षसों से बड़े परेशान हैं, बड़े विचलित हैं, और इनका एक मुख्य जो इन राक्षसों को पनाह देने वाला है, शरण देने वाला है, वो है तारक। उसका विनाश करने का मात्र एक ही रास्ता है कि शिव भगवान के कोई संतान हो और शिव भगवान के ओरस पुत्र ही इसे खत्म कर सकते हैं। सजनों, ब्रह्मा जी मन ही मन में विचार करते हैं, इधर हिमालय के राजा हिमवान, जिनकी रानी का नाम मैना है, काफी समय व्यतीत हो गया लेकिन आज तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। मां आदि शक्ति की भक्ति दोनों ने, राजा ने और रानी ने शुरू कर दी। एक दिन आदि मां ने आदि शक्ति के रूप में दर्शन दिया और ये वचन दे दिया, वरदान दे दिया कि मैं तुम्हें वचन देती हूं कि अगले जन्म में मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में आऊंगी। सजनों, माया भगवान की ऐसी होती है कि रानी गर्भवती हो जाती है और धीरे धीरे समय जब आगे बढ़ता है तो क्या नक्षत्र और किस घड़ी में आदि शक्ति पैदा होती है, बड़े गौर से सुनना। आइए, आज मैना के घर पे की जन्मी
हुई देवी का सा स्वरूप समझ करके मैना ने अपने स्तनों से दूध पिला दिया। वो ही आदि शक्ति आज मैना की गोद में है। मैना ने सोच लिया कि अब मेरे जीवन का अंधकार दूर हो गया और अब मेरे जीवन में सवेरा ही सवेरा है। अब देवी देवता आसमान से मिलके पुष्प गिरावे। देवी देवता आसमान से मिलके पुष्प गिरावे। यो आदि शक्ति शक्ति कोई पट बाकी नर कदे नीच कदे ऊंच रहे फिर तेरा ना तकदीर।
कदे ऊंच कदे नीच रहो तेरा ना तकदीर का, ये सबका संकट काटेगी, सबका संकट काटेगी, जन नजर ध्यान धर तीर का, और चलेगी यो हाथ पकड़ के बाबा जी। लेकिन एक और बात है, एक और बात ना चाहो, एक और बात राजा यो लग्या कर्म का रोड़ा से, जब एक कर्म का रोड़ा का नाम लिया ना हिमाचल परेशान हो गए। बोले महाराज वो एक बात कौन सी है, इसके जीवन में आनंद ही आनंद है, ये एक तरह से एक साथी के रूप में अपना जीवन यापन करेगी और ये आदि शक्ति है। लेकिन एक कहूंगा बात राजा लग्या कर्म का रोड़ा से, ये जीती जिंदगी मेल इशा कदे घड़ा नहीं कदे कदे सुखी कदे दुखी रहे यो वीर मर्द का जोड़ा से, पर इसके भाग में ए राजा यो बेटे का सुख थोड़ा से, लगी
करनी पड़े पराई,
गई वही बात काल से लगी और चलती चलती वो नार मैनावती हिमाचल के धोरे सजनो। जैसे जैसे गिरजा श्याणी हुई शिव भगवान की भक्ति करती है क्योंकि आदि शक्ति एक आदि अनादि एक जति पुरुष को तलाश कर रही है और इधर माया भगवान की मैना को यह चिंता सताती है कि क्यों ना मेरी बेटी श्याणी होगी और बेटी पराया धन होती है, बेटी सभी को विदा करनी पड़ती है, पराई करनी पड़ती है और आकर के अपने वरदार से कहती है कि हे राजा हे महाराज हाथ जोड़ करके मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हमारी जो पुत्री है गिरजा अब वो श्याणी हो चुकी है इसलिए उसके लायक कोई वर कोई राजकुमार ढूंढा जाए और उसकी शादी करके उसे यहाँ से विदा किया जाए। सजरो अगले रोज नाई ब्राह्मण को हिमाचल ने बुलाया और कहा कि जाओ और मेरी पुत्री के लायक कोई वर ढूंढ करके पर विधि का विधान महान विधि का विधान महान जहां सब बाता का तोड़ा और दूर दूर तक ढूंढ लिया पर कहीं मिला ना दादू दुनिया बावरी फिर मांगे सौ लिखने वाला लिख गया तुम्हें वाला। अब तो नाई ब्राह्मण भी वापस आ गए हाथ जोड़ करके कहने लगे महाराज ये आदि शक्ति है और इसका वर हम तलाश करके आएंगे गलत हम इस लायक नहीं है हमें ये हक नहीं है। दूर दूर तक प्रस्ताव लेकर के नाई ब्राह्मण इंद्र लोक में गए देव लोक में गए मृत्यु लोक में गए लेकिन कहीं भी पार्वती का मेल सजनों अब तो वापस लौट करके आ गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि महाराज हम लाचार हो गए परेशान हो गए लेकिन गिरजा बेटी का जोड़ा कहीं भी नहीं। लेकिन वो गिरजा शिव के ध्यान में है एक अपनी सहेली को शिव भगवान के पास में भेजती है और शिव भगवान से बार बार वो दासी वो सहेली मिन्नते करती है अरदास करती है कि एक बार हमारी गिरजा की तरफ भी आप देखो जिसने बालकपन से लेकर के और जवानी तक यौवन तक आपकी भक्ति की है और आगे भी आप ही का नाम लेती रहेगी। लेकिन शिव भगवान ने साफ इनकार कर दिया कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सजनों इधर गिरजा ने कामदेव को कहा कि तुम जाओ और भोलेनाथ में कामदेव को प्रकट करो हो सकता है वो मेरे रूप का ये भान ये प्रकाश ये उजाला देख करके और मेरी तरफ आकर्षित हो जाए मोहित हो जाए। लेकिन सजनों वो शिव भगवान जगतपति जगताधार उन्होंने कामदेव को भी नष्ट कर दिया लेकिन अब तो खुद गोरा खुद गिरजा चल देती है माया भगवान की है। आइए सुनिए और दिल दीवाने काटो Thank you.
मुरले फूल हाथ में चली सरजन हार के लिए, मुरले फूल हाथ में चली सरजन हार के लिए। Thank you.
समय भी कम है और मैं ये कह रहा हूं कि जो भी उठ उठ करके जा रहे हैं थोड़ी देर का समय है, एक घंटा खातर क्या कर दो बुराई लो सो क्या कर भलाई भलाई लोगे तो जिंदगी बरसात चलेगी। और ये जो मुख्य वृतांत है और शायद मेरे हिसाब से सबको आनंद आ रहा है क्योंकि ये बात इसलिए आपके बीच में हम कर रहे हैं क्योंकि आप इन बातों को समझते हो। अब क्या होता है Yeah.
ये जिन्होंने ब्यावला गवाया था वो कहाँ गए? मैं सारी पंडित जी का ले मन में एक अलसन सी हो जाती है जब आँख खोल के देखने लगा वो जग का सरजनहार और पलका पड़ रहा और चमके था वो चंदा सा उभिया। सजनो शिव भगवान कहते हैं कि सुंदरी कौन गड़े की रहने वाली तेरा घर नाम तो बता दे और क्यों आई मेरे पास खास तेरा काम तो और किस राजा की जाई भेद तमाम तो बता दे और किये घर का बता तू बोल महिमवान की बेटी और मेरा गिरजा सुन ले राम मैं तेरे संग प्यार चाहूंगी मेरा यही जरूरी और तेरे चरण शरण में भोले मैं रह लूं सुबह शाम और तेरे पैर दबा दूं और तन भाग पिला दूं और तू जिंदगी भर नहीं आप तो राजा की पुत्री हो और मैं एक बाबा जी मोटा फकड़ फकीर मेरे रहने के लिए मकान नहीं जगह नहीं महाराज कुटी में रहना मुझे मंजूर है पहाड़ों में रहना मंजूर है लेकिन मैं शादी करूं तो आपके साथ तेरा जैसा कौन पति मिले जो करे बैलो की असवारी तेरे नाग लपेटे ले गड़ में नाग लपेटे ले गड़ में तू सदा रहे ब्रह्मचारी तेरे किसी चीज की कमी नहीं तू बहुत बड़ा तपदारी और के तो प्यार मैं ना तो मर जाऊं मैं कवारी मर जाऊंगी लेकिन किसी से शादी नहीं भगवान ने बार बार समझाया भोले ने और ये रागनी आपने सबने सुनी होगी पंडित मांगेराम जी की आया करती थी रेडियो पे सुनिएगा तू रचा की
मोटे आलसू और मत भाग रगड़ के पिया करूं सू टूटी सोते तेरे लायक नहीं हूं, लेकिन कह दिया कि शादी करूं तो तुम्हारे साथ अन्यथा जिंदगी भर कमारी रहेगा। शिव भगवान ने दोबारा समझाया, गौर से सुनिए। तने सो सो
तन चाहिए से पकवान नए में पेट पुजारी रहा करूं पन घड़ अंदर लगा समाधि अंदर अतारी रहा करूं और तन चल चाहिए तन पर चाहिए मैं रोज फरारी रहा करूं रखे करने की प्यार करवा कर मैं सदा ब्रह्मचारी शुरू करते हैं और क्या कहते हैं मैं सुल्फा गंजा पीऊं सू मेरा राग देख कह डर जागी बच भूले के बीच तपू मेरी आग देख कह डर जागी
बोलिए शिव भगवान की। थोड़ा सा पानी पिला दो।